नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 10 खबरों के लिए मैं हूँ आपके साथ रत्नाकर। संजय राउत ने कहा है कि ईडी द्वारा विरोधी दलों को डराने का काम किया जा रहा है। अगर ईडी नहीं होती तो महाराष्ट्र की सरकार भी नहीं बन पाती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, ये ईडी का प्रोडक्शन है। जम्मू कश्मीर में एक और भूकंप आया है। इस बार किश्तवाड़ में 3.3 रिक्टर की तीव्रता का भूकंप आया है और कल दोपहर से ये चौथा भूकंप है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शाह ने बेंगलुरु में कहा है कि जब तक सारे हिंदू एक नहीं हो जाएंगे तब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकेगा और तब तक वे हम सबको जगाते रहेंगे। हर समस्या का समाधान केवल बागेश्वर हनुमान है। हमारे हनुमान जी जैसी कोई टेक्नोलॉजी वाला नहीं है। चमत्कार से कुछ होना नहीं है, पर्चे से नहीं, लेकिन बागेश्वर की चर्चा से चमत्कार होगा। अरब सागर में उठा चक्रवात बिपरजॉय कल शाम तक गुजरात के जखौ तट से गुजरेगा। अभी देवभूमि द्वारका से 300 किलोमीटर अरब सागर के उत्तर पूर्व में अत्यंत गंभीर श्रेणी में है। इसे निपटने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। गुजरात तट पर सेना की तैनाती की गई है। गाजियाबाद धर्मांतरण मामले में एक के बाद एक नए राज निकलकर सामने आ रहे हैं। मास्टरमाइंड शाहनवाज खान उर्फ बद्दो के मोबाइल में पुलिस को जांच के दौरान तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। साथ ही पाकिस्तान से जुड़ी 6 ईमेल आईडी और एक संदिग्ध पहचान पत्र भी मिला है। अगर आपका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है तो आप भी पीएनबी के आईवीआर आधारित यूपीआई सिस्टम का लाभ उठा सकते हैं। इसके जरिए आप बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी के पेमेंट कर सकेंगे, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल पेमेंट करने के लिए आईवीआर आधारित यूपीआई सिस्टम लॉन्च किया है। भारत के पश्चिमी तट से 15 जून को बिपरजॉय चक्रवात टकराने जा रहा है। यह भी तो कुछ सालों में अरब सागर में आने वाले सबसे भीषण चक्रवाती तूफानों में से एक है। इसका सबसे ज्यादा असर गुजरात के तटवर्ती इलाके में देखने को मिलेगा। इसी के चलते पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द कर दी हैं। न्यूयॉर्क, ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग की तर्ज पर अब दिल्ली की भी अपनी फूड ट्रक पॉलिसी होगी। इस पॉलिसी के तहत दिल्ली वाले अब देर रात तक लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। बिग बॉस फेम एक्ट्रेस राखी सावंत का मौसम बदलने से पहले प्यार हो जाता है। अब एक बार फिर राखी का दिल किसी के लिए धड़कने लगा है। आदिल से अभी तलाक भी नहीं हुआ है कि राखी को उनका नया प्यार मिल गया है। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा है कि सावरकर के बारे में उल्टा सीधा बोलने वाले से वे पूछते हैं कि जब आजादी की लड़ाई में हमारे सैकड़ों क्रांतिकारियों को फांसी हुई थी तो आपके दादा परदादा या और किसी को भी उसमें फांसी हुई थी क्या। तो ये थी आज की टॉप 10 खबरें। ऐसी और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। नमस्कार।